आज हम आपको सुनाएंगे वारिस शाह की कहानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फराज शाहिद। वारिस शाह सखंदा वारिस, पंजाबी का शेक्सपियर, वो हस्ती जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। आप मशहूर ज़माना किताब दास्तान हीर के खालिक और पंजाबी ज़बान के अजीम सूफी शायर हैं। वारिस शाह एक तारीखी कस्बे जंडियाला शेर खान, जो शेखुपुरा से 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है, में पैदा हुए। इनके सन पैदाइश के मुतालिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ किताबों में आपका सन पैदाइश 5 रबीउलसानी 1130 है और 1722 ईस्वी में बताया जाता है। आपके वालिद का नाम सैयद गुल शेर शाह था। आपने कम सिनी में ही इलम हासिल करने की गर्ज से कसूर की जानिब सफ़र किया और हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा की खिदमत अकदस में हाजिर हुए। खुद ही फरमाते हैं, वारिस शाह वसनीक जंडियाला दाते शगीर मखदूम कसूर दाए। आपने और बाबा बुल्ले शाह ने इकट्ठे तालीम हासिल की। दुनियावी इलम हासिल कर चुके तो मौलवी साहब ने इजाज़त दी कि जाओ अब बातनी इलम हासिल करो और जहाँ चाहो बैत करो। चिनाचे बाबा बुल्ले शाह ने तो हज़रत अनायत कादरी की बैत की, जबकि सैयद वारिस शाह ने हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर के ख़ानदान में बैत की। और फरमाते हैं, मौजूद दा लाडला पीर चिश्ती गंज शकर मसूद भरपूर है जी, ख़ानदान विच चश्त दे कामलियत शहर फिकर दा पटन मामूर है जी। आपने इसी दौरान कुछ अरसा पतन शरीफ में क़याम किया और मरातब फिकर तय किए। वापसी पर जाहिद के ठट्टे में, जो पाक पतन शरीफ के रास्ते में कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव है, रात बसर की। कहते हैं कि सुबह जब रवाना होने लगे तो एक खूबसूरत औरत, जिसका नाम भाग भरी था, को जाते देखा और इस पर फिदा हो गए और वापसी का इरादा मुलतवी करके वहीं गांव के करीब टीले पर वाक़िया एक छोटी सी मस्जिद में रिहाइश इख्तियार कर ली। गांव के बासियों ने बसूरत आलम फजल और फ़कीर होने के नाते इनकी खिदमत और तज़ीम शुरू कर दी। कहते हैं इन्हीं दिनों में आपने मशहूर किस्सा ही रांझा की तख्लीक का काम शुरू किया, जो कि वहीं पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि आपने ही रांझा के किस्से को आखिरी शक्ल अपने आबाई गांव जंडियाला शेर खान में ही दी, जिसको मुख्तलिफ कागज़ों पर उल्टी सीधी लकीरों में ढाला, जिसका नमूना अब भी मौजूद है। जब ही रांझा के किस्से के मुतालिक आपके उस्ताद मोहतरम हज़रत मखदूम ग़ुलाम मुर्तज़ा को इलम हुआ तो वह बहुत नाराज़ हुए और कहा, वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह ने इलम हासिल करने के बाद सारंगी बजाई और तुमने ही लिख डाली। आपने कोई जवाब ना दिया तो मौलाना ने अपने मुरीदों को कहकर आपको एक हुजरे में बंद करवा दिया। दूसरे दिन आपको बाहर निकलवाया और किताब पढ़ने का हुक्म दिया। जब आपने पढ़ना शुरू किया तो मौलाना साहब की हालत खैर हो गई। सुनने के बाद फरमाया, वारसा, तुमने तो तमाम जवाहरात मूंज की रस्सी में परो दिए हैं। ये पहला फिक्रा है जो इस किताब की कदर व मंजलत को जाहिर करता है। आप दरअसल एक दरवेश सूफी शायर हैं। एक जगह पर अल्लाह ताला की हम्द इस तरह बयान करते हैं, अव्वल हम्द खुदा दा विर्द कीजिए। वारिस शाह ने वो सारी खूबियां और खसूसियात अपनी हीर में समो दी हैं जो किसी दास्तान का हिस्सा होती हैं। हीर रांझा का किस्सा सबसे पहले दमोदर ने पेश किया। आज भी ये किस्सा दूसरी तमाम आशिकी दास्तानों से ज़्यादा पढ़ा और सुना जाता है। वारिस शाह ने हीर रांझा की दास्तान में शुरू से लेकर आखिर तक मुकालमा निगारी से काम लिया है। वारिस शाह का दौर मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक का दौर है। वारिस शाह ने इस सारे मंजर को शायरी की शक्ल में इसी तरह बयान किया। वारिस शाह को पंजाबी ज़बान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। पंजाबी ज़बान को आपने ही अरूज बख्शा। पंजाबी की तदवीन और तरवीज में वारिस शाह ने नुमाया किरदार अदा किया है। आपका कलाम पाकिस्तान, वारिस शाह की हीर के अलावा दूसरी तसानीफ में मराज नामा, नसीहत नामा, चौड़ेरी नामा और दोहरे शामिल हैं। वारिस शाह का उर्स मुबारक हर साल सावन की 8, 9, 10 तारीख को जंडियाला शेर खान में मनाया जाता है। उर्स के मौके पर हीर पढ़ने के मुकाबले होते हैं, जिनमें हीर पढ़ने वाले पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों से आकर हिस्सा लेते हैं। 1983 में सैयद वारिस शाह मेमोरियल कमेटी ने 80 लाख रुपए की लागत से मज़ार की इमारत को तामीर करवाया। वारिस शाह कम्प्लेक्स 8 एकड़ पर मुश्तमिल है। कम्प्लेक्स के अंदर 17 दुकानें,
एक गेस्ट हाउस और एक लाइब्रेरी मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि वारिस शाह ने शादी की थी और इनकी एक बेटी भी थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वारिस शाह ने शादी नहीं की थी। जैसा कि सन पैदाइश के बारे में भी हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता और ना ही वफात के मुतालिक भी हतमी राय नहीं रहे। मज़ार में लिखी तारीख वफात के मुताबिक आपकी वफात 1798 ईस्वी है, जबकि अफजल हक ने अपनी किताब माशूका पंजाब में लिखा है कि आपने 1233 में वफात पाई। आज भी दुनिया भर से सैयद वारिस शाह के अकीदतमंद इनके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं और इनकी तालीमात से इस्तफादा हासिल करते हैं।